जी तो गाइस नाश्ता आ चुका है बढ़िया तरीके से। और नाश्ते में भैया लाए हैं क्या है, लस्सी है, जलेबी है, दही है, और ये क्या है, रोटी। रोटी बढ़िया, रख लो यहीं पे रख लो। थैंक यू भैया। तो बढ़िया सा नाश्ता आ चुका है, बढ़िया बढ़िया हो गया। तो गाइस नमस्कार, मैं अनशिल नेगी आपके साथ, और आप देख रहे हैं एक नया व्लॉग वापस रामनगर से, एपिसोड 3 पार्ट 3। तो आज हमारी छुट्टी है, मतलब आज रेस्ट करने का दिन है, मेरा नहीं, मेरा ही है और दाजू का नहीं है। दाजू तो अपने काम पे। गुड मॉर्निंग। तो भाई उठ चुके हैं, बढ़िया सा नाश्ता लग चुका है दाजू के प्रति। बाकी आज देखते हैं क्या प्लान होता है, तो पहले नाश्ता करते हैं तब उसके बाद बात करते हैं, नाश्ता करने। तो चलो मैं आ चुका हूँ छत पे, और अभी का प्लान ये है कि नहा धो के तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं गर्जिया माता मंदिर, जो कि पड़ता है नैनीताल ज़िले के रामनगर शहर में। बाकी वहाँ जाके देखते हैं, अभी तो मैंने खाली फ़ोटोज़ में देखा था कि कैसा है मंदिर। बाकी ये हमारा रामनगर, और पूरा देखो बहुत बड़ा है। तो अभी मैं छत में आ रखा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये देखो भाई इधर ग्राउंड भी है, बाकी तो बाघ वो घूमते ही रहते हैं यहाँ, बाघी का तो आतंक है यहाँ। उधर भी बाघ, इधर भी बाघ, ये सब जिम कॉर्बेट का है। जो ये वाला क्षेत्र है ये जिम कॉर्बेट का जंगल है पूरा, वो वहाँ से लगा हुआ। इधर का तो पता नहीं, इधर से जो ये वाला रास्ता है ये नैनीताल को निकल जाता है यहाँ से। वहाँ पे एक छोटा सा डैम है, वहाँ से लेके रास्ता नैनीताल को निकल जाता है। बाकी ये वाला तो जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। बाघ दिख जाए पर कहाँ से दिखेगा यार। तो बने रहिए भाई, अभी हम थोड़ा सा छत में आ के, हमारे दाजू नहा रहे हैं नीचे, तो वो भी जब आ जाएंगे बाहर तो तब निकलेंगे हम। चलिए गाइस निकल चुके हैं माता के मंदिर के लिए। बाकी दाजू स्कूटी चला रहे हैं, बिना हेलमेट के चला रहे हैं। आप हेलमेट पहन के चलाया करो, सही बात, क्योंकि हमें तो खैर अभी यहाँ पर उतरना है, तो इसलिए हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट ही है। पहुँचते ही आपको बताते हैं, और कितना दूर है यहाँ पे से? यहाँ से 14 किलोमीटर दूर। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, मैंने सोचा पास ही में, पर मिलते हैं। तो नया सफर शुरू हो चुका है आज का। गाइस हम पहुंच चुके हैं गर्जिया माता मंदिर में, दर्शन भी कर लिए हैं। बाकी अभी निकलते हैं घर को, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए और माता आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दे। बाकी देखिए भाई ऐसा है, हम दर्शन करके आ चुके हैं। बाकी नज़ारा यहाँ का ऐसा है, बच्चे लोग नज़र आ रहे हैं, नौजवान नहा रहे हैं, और बहुत ही साफ पानी उधर का, काफ़ी साफ़ है, शायद से अल्मोड़ा से आता है भैया बता रहे थे जैसे, और हमारे भैया वहाँ पहुँच गए सीधा। तो फिर जी बिल्कुल, तो कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले पंकज भैया का कि उनकी वजह से हमने यहाँ दर्शन किया। ऐसा नहीं है, माता ने आपको बुलाया है तो आपने दर्शन किए। हाँ, माता कई लोग आए यहाँ पर मेरे साथ, मेरे सबको दर्शन करवाए, जिसका बुलावा आया वो आएगा। बिल्कुल, आपका बुलावा आया तो आप, माता का बुलावा आया तो आइएगा फिर कभी दोबारा, फिर से हम आएंगे ज़रूर। जय हो। तो हम चलते हैं अभी, ठीक है? सफर में अगर आप वो पेट में जमा करते रहेंगे तो वो चीज़ गड़बड़ है, वो चीज़ बेकार है ना।
तो चलिए भाई, हम पहुंच चुके हैं एक दुकान में। यहाँ पूरा सामान मिलेगा कॉर्बेट का। देखो, टोपी से लेके टाइगर से लेके स्टैचू से लेके हाथी से लेके सब कुछ बढ़िया सा। तो भाई ये टी शर्ट देखो कैसा लग रही है, ठीक है, बढ़िया है ना कॉर्बेट की। मसाला तैयार हो चुका है, दाल भी तैयार हो गई। इसके बाद मैं दाल डालूंगा इसमें मसाले में और फिर मैं भात रख दूंगा। तो मिलते हैं आपको सीधा खाने के टाइम। बाय जी। तो भाई हमने खाना खा लिया है, बढ़िया हो रहा था। तो अभी थोड़ा सा पाचन करने के लिए हम आए हैं बालकनी में और यहाँ पे से नज़ारा देख रहे हैं रामनगर का। देखो भाई, गर्मी भी हो रही, भाई गर्मी स्टार्ट हो गई पूरी पूरी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। अभी हम आ गए थे गर्जिया मंदिर, बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। बस निगिस प्रोडक्शन सब्सक्राइब कर दो। अभी थोड़ा सा हम उठ चुके हैं, नींद आ गई थी बढ़िया से और अब उठ के सर दर्द हो रहा। तो अभी हम आ गए नीचे दुकान पे। तो ये देखो भाई, बाजीला गाना जो कि आया है आरएस राजन के यूट्यूब चैनल से, जो कि पंकज दाजू का चैनल है। उसके प्रोड्यूसर हमारे पंकज सिंह रावत जी, और आरएस राइजिंग इस वजह से है क्योंकि रावत ट्वीट्स के उससे। देखो ना, आरएस राइजिंग रावत ट्वीट्स राइजिंग। बाकी बाजीला तो पोस्टर आप देख ही रहे होंगे, तो इसको सुनना भी ज़रूर यूट्यूब पे जाके। आरएस राइजिंग बहुत ही तगड़ा गाना है और देखो भाई पोस्टर भी कितना बढ़िया है। तो अभी हम चलते हैं आगे, मैं आपको अभी अलग अलग मिठाइयाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं गुलाब जामुन, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है पूरी शॉप, एक शॉप ये है, एक शॉप दूसरी उधर है, उधर की साइड, मतलब यहाँ से 50 मीटर की दूरी, 50-100 मीटर की दूरी पे। तो ये देखो, सबसे पहले आता है गुलाब जामुन है, और यहाँ से फिर ये चॉकलेट्स वाले आ गए, चॉकलेट्स आ गई, यहाँ से चॉकलेट्स आ गई, फिर ये नमकीन मटरी वगैरह, मेथी मटरी और समोसा, तो भाई आप देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो। फिर ये रसमलाई भाई बहुत ही टेस्टी, पूरे रामनगर की फेमस रसमलाई है ये, बहुत ही अच्छी है। ये रसगुल्ले हो गए, ये बड़े वाले रसगुल्ले हो गए आजकल, क्योंकि जी हम अभी जी समोसा जी। तो होली का सीज़न आने वाला है, तो गुजिया आजकल चल रही होगी, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। वॉल्यूम अप नो कमेंट्स। तो भाई गुजिया देखो, अब ये गुजिया धीरे धीरे सब जगह जाएगी। ये मेन चीज़, ये खुद हमारे प्रोड्यूसर साहब श्री पंकज सिंह रावत जी बनाते हैं रसमलाई, लस्सी। थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा, खैर कोई नहीं, आदत हो जाएगी। बाकी पनीर भी है, और अभी बाकी मार्केट देखो भाई, पूरा ये मार्केट है, बढ़िया सा, अच्छा वाइब, अच्छी वाइब है यहाँ पे। देख, तो आ चुके हैं हमारे मोमोज और स्प्रिंग रोल, तो अभी खाते, ठीक है, खाते हैं। ऑफिस में बैठे हैं अभी आरएस राइजिंग के, वापस से चल रहा है सीसीटीवी, अभी पंकज भाई बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो हम आगे घूम के सब्जी वगैरह तो काट दी है, प्याज भी काट दिए, बाकी अब कढ़ाई गरम हो रही, साथ में दाल है, थोड़ा चावल रखेंगे, सब्जी बनाते हैं। आज बन रही है मिक्स वेज, तो हमने काट दिए हैं बीन्स, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, मटर तो है और पनीर भी है, तो बनाते हैं फटाफट से मिक्स वेज। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे,
अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, जाएंगे। तो भाई सब्जी अभी यहाँ पे उज रही है, मतलब पक रही है, तब तक हम थोड़ी सी दाल और बनाते हैं, फिर हम चावल रखेंगे। तो खाना तैयार हो चुका है, सब्जी बन गई, दाल भी तैयार है, चावल भी तैयार है, रोटी है, ये हमने रख दी थाली में, और अब हम खाते हैं। खाना बहुत जबरदस्त और खाना बहुत अच्छा बनाया है देख के, और कल भी बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन खाने का मजा तब है जब हमारे सामने तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। सही बात, बिल्कुल। तो खाते हैं आप। ओके अजीत गाइस, तो सोते हैं।